पाता सबका। धरती के सात प्राचीन द्वीपों में एक है जम्बू द्वीप, भारत खंड, अपना भारत। भारत का पश्चिमी राज्य महाराष्ट्र। मराठा मर्यादा की शौर्य कथा के नायक हुए जहां छत्रपति शिवाजी महाराज, आज उसी का गौरव काम। अरब सागर और सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के साथ बसा महाराष्ट्र। पर महाराष्ट्र के संस्थापक और प्रथम शासक कहे जाते हैं सातवाहन। उनके बाद आए वाकाटकों की विश्व प्रसिद्ध कृति है अजंता गुफाओं की कलाकृति। यादवों ने देवगिरी को अपनी राजधानी बनाई और मराठी को महाराष्ट्र की शासकीय भाषा। शासक बदल रहे थे, राज्य की सीमा बदल रही थी, महाराष्ट्र भक्ति आंदोलन की राह पर भी चल रहा था, जिसके केंद्र में थे पंढरपुर के भगवान विठोबा। तेरहवीं सदी के खत्म होते होते महाराष्ट्र में उथल पुथल का खौफनाक दौर शुरू हो गया। आक्रमणकारी शासक अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर हमला बोल दिया। महाराष्ट्र में हिंदू शासन का सूरज अस्त हो गया। इस तरह 350 साल बीत गए। 17वीं सदी आ गई। ज्यादातर हिस्सा बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह के अधीन था। उसके जुल्म और सितम से मराठा माटी भीतर भीतर चीख रही थी। छोटे बड़े सारे जागीरदार आदिल शाह का हुक्म बजाने को मजबूर थे। उन्हीं में से एक थे शाहजी राजे भोसले, शिवनेरी के जागीरदार। शाहजी भोसले की पत्नी थी वीर माता जीजाबाई। जब भारत भूमि मांग रही थी एक शूरवीर सूरमा महान, जीजाबाई ने जना पुत्र मराठा शान, प्यार से पुकारा शिवबा, जिन्हें हम जानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से। जीजाबाई बाल शिवाजी को सुनाने लगे भारत की गौरव गाथाएं, रामायण, महाभारत और वीरों की कथाएं। जमीन ही नहीं स्वाभिमान भी गिरवी है। इस पीड़ा से बेचैन हो रहे थे बाल शिवाजी। 15 की छोटी उम्र में ही वीर शिवाजी ने जोड़ लिया अपने साथ मराठा मावलों को, समूचे मराठा समाज को, उठा लिया एक अद्भुत संकल्प। मैं शिवाजी शाहजी भोसले और मराठा माटी की सौगंध उठाता हूं। मेरे जीवन का लक्ष्य है हिंदवी साम्राज्य और मैं ये हासिल करके रहूंगा। हमारा संकल्प है स्वराज और सिर्फ स्वराज। मस्तक तिलक, हाथ तलवार, अश्व सवार,
शक्ति अपार, उम्र भी सिर्फ 15 पार। चंद तोड़ना किले पर पहरा दिया हिंद स्वराज का प्रथम पताका, नाम रखा प्रचंडगढ़। वीर शिवाजी को रोकने प्रतापगढ़ पहुंचा दिलशाही सेनापति अफजल खान। अफजल ने वीर शिवाजी की पीठ पर किया धोखे से वार। शिवाजी ने पहन रखा था लोहे का कवच, उसका वार गया ना था। उल्टा शिवाजी ने बगनक से उसकी आते निकाली। थर्रा उठी थी आदिलशाही हुकूमत, थर्रा उठा था दिल्ली का मुगल सुल्तान। वीर शिवाजी ने पूना पहुंचे औरंगजेब के वजीर शाइस्ता खान की उंगलियां काट डाली और सूरत पहुंचकर मुगलों का सारा खजाना लूट लिया। औरंगजेब के सरदार जय सिंह के साथ पुरंदर संधि के बाद वीर शिवाजी पुत्र संभाजी सहित औरंगजेब से मिलने आगरा पहुंचे, जहां औरंगजेब ने वीर शिवाजी को बंदी बना लिया। लेकिन कारावास की दीवारें वीरों को कब रोक सकी है, मुगल सेना को भनक भी नहीं लगी। कैद से निकल गए वीर शिवाजी। इसके बाद तो जैसे जाग गई हो शेर की शक्ति, रगों में दौड़ पड़ी हो बिजली की तेजी, शुरू कर दिया स्वराज से मुगलों का सफाया। मावड़ क्षेत्र में कायम कर लिया एक छत्र राज, स्वराज, जिसके लिए प्राणों की आहुति दी थी शिवा का सिंह, जीवा महाले, कानोजी आंगे, बाजी प्रभु देश पांडे, तानाजी मालूसरे जैसे अनगिनत वीर मावड़ों ने। रायगढ़ में हुई भव्य तैयारी, वैदिक विधि विधान से संपन्न हुआ वीर शिवाजी का राज्याभिषेक। अलंकृत हुए छत्रपति की उपाधि से चारों दिशाएं गूंज उठी। छत्रपति शिवाजी महाराज की ख्याति चहुओर फैल रही थी। देश भर में चमक उठा था उनके शौर्य का सूरज। वर्ष 1680, तारीख 3 अप्रैल, हिंदवी स्वराज्य का चमकता सितारा अस्त हो गया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया, पर वो आज भी करोड़ों करोड़ भारतीयों के हृदय में जीवित है और जीवित रहेंगे अनंत काल तक। रक्षा की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए महाराज पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज और मराठा पेशवा मुगलों और अंग्रेजों से खूब लड़े, लेकिन 1857 आते आते मराठा स्वराज्य सहित संपूर्ण भारत पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। समूचा भारत अंग्रेजों के जुल्म और अत्याचार से त्राही त्राही कर उठा।
स्वतंत्रता आंदोलन का बिगुल बजाया बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच। इस उद्घोष ने न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि समूचे भारत में स्वतंत्रता आंदोलन में नई जान फूंक दी। वासुदेव बलवंत फड़के, स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर, दाभेकर बंधु जैसे अनगिनत सेनानी कूद पड़े आंदोलन में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटा, मुंबई उनके आंदोलनों का प्रमुख केंद्र बन गया। दांडी यात्रा हो, असहयोग आंदोलन हो, महाराष्ट्र के स्वतंत्रता सेनानियों ने महात्मा गांधी का भरपूर साथ दिया। गांधी जी ने मुंबई के ही गोवालिया टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन की हुंकार दी और भारत में अंग्रेजी हुकूमत की नींवें हिला दी। जिस गेटवे ऑफ इंडिया की नींव रखी थी अंग्रेजों ने, गुलामी की जंजीरों में जकड़ी उसकी दीवारें उस दिन का इंतजार कर रही थी जब देश आजाद हो और वे स्वतंत्र हवा में सांस ले। 15 अगस्त 1947, लगभग 200 सालों के संघर्ष के बाद देश अंततः आजाद हो गया। आजाद मुस्कुराहटों को महसूस कर रहा था सारा देश। स्वाधीनता की चमक से हर भारतीय का चेहरा खिल उठा। अंग्रेजों का आखिरी समुद्री बेड़ा रवाना होते देख रहा था गेटवे ऑफ इंडिया। समय का पहिया स्वतंत्र भारत में प्रवेश कर गया। एक नया सूर्य उदित हुआ भारत का भविष्य चमकाने का। कानून के महाविद्वान डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की अगुवाई में स्वतंत्र भारत का संविधान बना। बाबा साहेब के विचार और उनकी नीतियां नए भारत के निर्माण और इसके सामाजिक उत्थान का आधार बने। संघर्षों में निखरना मराठा माटी की अनोखी फितरत है। आजाद भारत की आर्थिक मजबूती के लिए महाराष्ट्र ने चुना औद्योगीकरण का मार्ग। मुंबई जो पहले बॉम्बे कहलाती थी, जहां पहली रेल चली, पहली फिल्म बनी, आजादी के बाद दिन ब दिन चमकने लगी। की नदी भारत की आर्थिक प्रगति का केंद्र बन गई मुंबई। भारत चल पड़ा उन्नति की राह। शिक्षा, स्वास्थ्य, सैन्य शक्ति, सामाजिक उत्थान, महिला सशक्तिकरण, सभी मोर्चों पर आगे बढ़ते हुए 75 सालों में भारत ने बना ली अपनी वैश्विक पहचान। जिनके बलिदानों से मिली अनमोल आजादी, उन्हें नमन करते हुए सारा देश मना रहा है आजादी का अमृत महोत्सव। अगला 25 वर्ष अमृत काल है भारत का। भारत जानता है गति में है प्रगति, रुकना नहीं, झुकना नहीं, संकल्प है आज के भारत के। सर्वश्रेष्ठ भारत, सर्वशक्तिमान भारत, लक्ष्य है आज के भारत के। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए चाहिए जो दृढ़ संकल्पी और दूरदर्शी नेतृत्व, सौभाग्य देश का
कि वह हासिल है। आज निरंतर आगे बढ़ रहा है देश यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, जिनका संकल्प है आजादी के शताब्दी वर्ष 2047 से पहले भारत को विकसित देशों की सूची में शामिल करना, और यह संभव है उन पंच प्रणों के दम पर। और हमें उन पंच प्राण को लेकर के 2047 विकसित भारत का संकल्प, गुलामी की हर सोच से मुक्ति, अपनी समृद्ध विरासत पर गर्व, एकता, एकजुटता और नागरिक कर्तव्य पालन, इन पांच प्रतिज्ञाओं के दम पर भारत बनेगा विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। इस गाथा को इसी मोड़ पर छोड़ मैं चल पड़ा हूं अपनी अनंत यात्रा पर। मैं फिर मिलूंगा जब भारत मना रहा होगा आजादी का शताब्दी वर्ष।